जय गाधी जय काल भैरव। तो चलो अभी है दोपहर के वक्त, कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, थोड़ा सा गला में रहिए। आप यू नोटिस। सो अब देखते हैं रीडिंग के लिए, मैंने लिए है दो ऑब्जेक्ट्स। पहला है ये एवरीडे विच टैरो एंड सेकंड है ये ओरेकल। लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग। ठीक है, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो विद द काइंड ऑफ रीडिंग विच वी वॉन्ट। ठीक है, जो रीडिंग आती है द वे इट रेजोनेट्स विद यू, लुक फॉर दैट वन। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि जितनी भी रीडिंग आए वो रेजोनेट कर सके, कर सकती है, डिपेंडिंग ऑन दैट। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट विद द टैरो फर्स्ट। ठीक है, ओके, तो जितने भी कार्ड्स आए हैं वी आर गोइंग टू लुक फॉर दैट वन एंड हियर वी गो। ठीक है, जो फर्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है वो है टू ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस के लिए द फर्स्ट कार्ड। That means somewhere there is a kind of communication which is happening. तो communication यहाँ पे हो रही है काफ़ी अच्छी तरीके से। ठीक है, आई थिंक ये एक काफ़ी मोमेंटरी पल हो सकता है आपके लिए एंड ये जो फीलिंग है ये मोस्टली दोपहर से लेके शाम तक, रात तक भी रह सकती है। यू नो, मतलब जब आप इस इमोशन को लेके ज़्यादा सोचेंगे तब ये पल और भी ज़्यादा आपसे कनेक्ट हो सकता है। ओके, जो मूवमेंट यहाँ पे आता है वो क्या है कि कहीं ना कहीं पे यू शुड इंटरैक्ट विद दैट पर्सन। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सामने वाली व्यक्ति तो तैयार होती है कि आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट, लेकिन कई बार आपके तरफ से इनकार होता है या फिर कहीं ना कहीं आप बिजी होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आप अभी रस्ते पे हैं एंड द पर्सन वॉन्ट टू मीट यू। ठीक है, लेकिन अचानक ट्रैफिक जैम लग गया। अब इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं, उसकी भी गलती नहीं, लेकिन वो आपसे मिलना चाहते हैं और आप चाहे कितने भी कोशिश करें उनसे मिल नहीं सकते। सो दैट इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे जाननी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर हम इस बात को उस लिहाज से देखते हैं तो कहीं ना कहीं पर जो चीज़ मैच करती है, मैटर करती है, ये है कि जब दोनों ही उसके लिए रेडी हो। एंड ऐसा भी पल आता है जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ मुझे कुछ कुछ फील हो रहा है, आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद दैट पर्सन। ठीक है, एंड इफ़ यू फील दैट द सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर देयर, गो डायरेक्टली एंड मीट दैट पर्सन, डू नॉट वेस्ट एनी मोर सेकेंड थिंग अबाउट इट। सेकेंड जो कार्ड है वो है फोर ऑफ पेंटिकल्स, एज यू कैन सी। इस कार्ड को अगर हम देखते हैं तो ये है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के लिए कार्ड। एंड इस कार्ड में हमें जो दिखता है कि कहीं ना कहीं पे ये पर्सन अपनी इच्छाएं लेके बैठा है। मतलब मे बी आप इसके लिए रेडी हो ना हो, वट एवर यू कुड थिंक, बट दिस पर्सन थिंक्स कि भाई मेरे हिसाब से अगर आप इनके लिए इम्पॉर्टेंट है तो रहेंगे ही। ठीक है, अब ये मैटर करता है कि जैसे कि मान लो आपकी रिलेशनशिप कितने महीनों की है, कितने सालों की है। ओके, इवन इफ़ यू आर मैरिड, नॉट मैरिड, डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज कि अगर ये पर्सन आपके इस रिलेशनशिप के उन बीते हुए पलों को समाये हुए हैं तो ये उसके लिए बहुत जज्बाती पल है। कई बार कोई रिलेशनशिप इसलिए भी टूट जाती है कि कोई पर्सन बहुत जज्बाती होता है एंड इस पल से कोई मतलब बाहर नहीं निकल सकता। सो टू पे अटेंशन टू इट, ये पर्सन अगर उन पलों को संजो करके रखे हुए हैं, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है द हायरोफंट, यानी कि भाई टॉरस का साइन है ये। एंड यहाँ पे हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिल में तो वो बात चलती ही रहती है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली अबाउट रोमांटिक फीलिंग्स अगर हम कहें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये फीलिंग इतने जल्दी आपसे रेजोनेट करती हैं? क्योंकि कई बार लोग इस बात से टेंशन में होते हैं कि इफ समबडी सेइंग येस टू देम, और अगर उनके दिल में फिलहाल नो है देन व्हाट विल हैपन, यू नो। सो वो एक इशू बनता है। सेकंड जो बात आती है कि कहीं ना कहीं इफ यू वांट टू कनेक्ट विद दिस पर्सन तो कैसे कनेक्ट करें? कई बार दोनों तरफ से ही रिलेशनशिप में कट ऑफ होता है, यू नो, समबडी सेइंग येस, समबडी सेइंग नो, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करने को मिलती है। तो वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है दैट यू शुड पे अटेंशन। अगर कोई पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, यू शुड गिव इट अ शॉट अगर आपको लग रहा है तो। आई थिंक ये पर्सन कम्युनिकेट करने के लिए खुद से रेडी है लेकिन आपसे जानना चाहता है कि आप भी क्या सोचते हो। फोर ऑफ सोर्ड, एज यू कैन सी, जेमिनी लीब्रा एक्वेरियस का साइन। यहाँ पे ये पर्सन बिल्कुल मतलब हम कह सकते हैं कि शाम की थोड़ी सी फीलिंग भी यहाँ पे आती है। आई थिंक ये पर्सन आपको समय देना चाहता है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि यू वॉन्ट टू हैव मोर टाइम फॉर योर सेल्फ, सेल्फ रिफ्लेक्ट किया करने के लिए, या फिर आपको और समय चाहिए कि मैं इनसे बात करूँ ना करूँ, आज करूँ या कल करूँ, एंड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसके लिए भी ये पर्सन आपको समय दे रहा है। नेक्स्ट कार्ड है वो है एट ऑफ वॉन्स एंड वी गॉट द टावर एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स। कार्ड कैसे आते हैं देखिए, एट ऑफ वॉन्स है यहाँ पे।
सो कहीं ना कहीं बात बस यहाँ पे ही अड़ जाती है कि कम्युनिकेशन शुरू कैसे करें. ओके, आई थिंक मोस्ट ऑफ द कपल के लिए रिलेशनशिप का इशू हो सकता है, एंड किसी के लिए भी इशू हो सकता है कि हाउ टू एंड दिस, यू नो, कॉन्वर्सेशन हो गया, अब उसको एंड कैसे करें. यू शुड एंड अप विद अ किस, यू शुड एंड अप विद सेइंग आई लव यू और गुड बाय. तो ये भी शायद किसी किसी के लिए कोई इशू हो सकता है. दैट इज़ वॉट इज़ बिंग रिफ्लेक्टेड इन द एट ऑफ वॉन्स. हालांकि जो टॉवर जो है वो सच्चाई दिखाता है यहाँ पे, एंड नाइन ऑफ सॉर्ड, मतलब कहीं ना कहीं लगता है कि ये मुलाकात आखिरी ना हो जाए, या फिर कहीं ना कहीं पे ये पर्सन आपसे छूट ना जाए, या फिर आपसे दूर ना हो जाए. आई थिंक दोनों तरफ की मिक्स फीलिंग यहाँ पे आ गई है. यही देखना होगा कि जो डर आपको लगता है वो सिर्फ आपका नहीं है, इस पर्सन का भी सेम डर है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं. ठीक है, सो द टावर की हम ये हिडन फीलिंग कह सकते हैं कि जो इनके दिल में तो आती हैं लेकिन आपके सामने वो नहीं रखते, इस वजह से हमें तकलीफ होती है उनको समझने में. लेकिन नाइन ऑफ सोर्ड एक ऐसी रियलिटी है कि जो आप महसूस करते हैं, जैसे कि इनकी दिल की धड़कन, मान लो इनको बहुत पसीना आ रहा है, या फिर हाथ कांप रहा है, या फिर आप यू नो आँखों से आँखें नहीं मिला रहे, तो यू कैन जस्ट लुक एट दीज साइंस एज वेल. ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो डर भी इनको लगता रहता है. तो हाँ, मे बी आप दोनों में से कोई पर्सन इस रिलेशनशिप को इतना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डली लेके जाना नहीं चाहता. यू नो, मे बी शायद आप चाहते हैं कि बहुत ही कैजुअली आगे बढ़े, शायद कुछ और महीने या फिर कुछ और साल, कि वी आर फ्रेंड्स दैन बेस्ट फ्रेंड्स दैन लवर्स एंड इंटीमेट लवर्स इन लाइक वेज. तो ये डिपेंड करता है कि फाइनली आप इसको किस तरह से देखते हैं. अब लेते हैं फाइनली जो ये ओरैकल है वहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है. ठीक है, विल कनेक्ट विद द कार्ड्स एंड हियर वी गो, 1, 2, 3 एंड 4. ठीक है, चार कार्ड आ चुके हैं यहाँ से, तो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है. जो पहला कार्ड है वो है अ प्लेयर. नाउ प्लेयर का मतलब ये कहीं ना कहीं यू नो, जैसे कि हम कहते हैं कि प्ले बॉय वगैरह नाम होते हैं, कि कुछ लोग हम कहते हैं कि भाई सम पीपल आर लाइक प्ले बॉय, सो यानी कि उन लोगों की फितरत होती है. यहाँ पे प्लेयर का मतलब है कि इस पर्सन ने एटीट्यूड के साथ आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए. ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार जब एटीट्यूड कोई पर्सन ना दिखाता है और बहुत ही ईजी रिलैक्सली किसी चीज़ को ले जाए, तो सामने वालों को कई बार लगता है कि ये पर्सन सीरियस भी है रिश्ते में या फिर नहीं है. यू नो, ये अच्छी बात है कि देर इज़ नो टाइम पास गोइंग ऑन, बट क्या ये पर्सन सीरियस है या नहीं है वो भी बात यहाँ पे हमें अंडरस्टैंड करने को मिलती है. नेक्स्ट कार्ड है वो है फीलिंग इनसिक्योर. नाउ ये एक चीज़ है शायद जो आपसे छुपा रहे या फिर आपको पता है वो चीज़. फीलिंग इनसिक्योर का मतलब कहीं ना कहीं पे मे बी जैसे कि अपना एक खुद का घर होना या फिर जॉब, क्या कोई पर्सन जॉब में सिक्योर है नहीं है. जैसे कि अभी हाल ही में मैं किसी व्यक्ति से मिला, उन्होंने कहा कि उनका जो मतलब भाई है, ठीक है, ही वॉज वर्किंग एज एन आर्किटेक्ट, ये बहुत अच्छी पोस्ट पे था, कोविड आ गया एंड सडनली ही वॉज जॉबलेस, अब उसे जॉब नहीं मिल रही है. दैट ट्रूली हैपन एंड नाउ वो अभी कहीं पे एक दुकान खोल रहा है, कहीं पे दूसरी जगह मतलब काम में शिफ्ट कर रहा है. सो दैट इज़ वॉट इज़ हैपनिंग. तो फीलिंग इनसिक्योर मतलब क्या आप अपने फ्यूचर को लेके सिक्योर हो या इनसिक्योर हो, बिकॉज प्राइवेट जॉब यू डोंट नो व्हेन एंड व्हाट विल हैपन. तो कहीं ना कहीं ये भी फीलिंग हमें यहाँ पे देखने को मिलती है. नेक्स्ट कार्ड है वह यूनियन, एंड जो फाइनल कार्ड है वह नॉस्टैल्जिया. आई थिंक ये पर्सन इसी बात को लेकर अड़ा हुआ है कि उसे आपसे कनेक्ट तो करना है लेकिन डर भी लगता है कि कहीं आज आप मिल गए तो कल ऐसा मौका ना आए ज़िंदगी में कि आप उनसे रुस्वा हो जाए या फिर ज़िंदगी उनसे खफा हो जाए और तब इनके आँखों में पानी हो. नाइन ऑफ सॉर्ड इसका ही प्रतीक है, ये नहीं चाहते कि दोबारा से वो डिफ़िकल्टी फेस करे. इसीलिए आई थिंक ये पर्सन बार बार आपसे मिलना चाहता है लेकिन एक दूरी बनाए रखता है. इट रेडी, आई होप इट रेजोनेट. थैंक यू.